हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फटाफट से कमेंट्स करके बता दीजिए सब लोग अपना हालचाल। तो आज मैं इनका जो है हेयर कट करने वाली हूँ, और ये काफ़ी हेल्दी है, उनका फेस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। तो मैं फ्रंट से भी अच्छा खासा इनका जो लुक चेंज करूँगी, और बैक साइड से जितना भी इनका फ्रिजी रफ हेयर दिख रहा है उसको मैं कट करने वाली हूँ। और इन्होंने बोला कि ये कभी भी अपना हेयर कट नहीं करवाती। बहुत पहले इन्होंने कहीं पे अपना हेयर कट करवाया था, तो बोले थी कि मेरे अच्छे हेयर थे और बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए, उसके बाद से मैं हेयर कट करवाना ही बंद कर दी हूँ। लेकिन जब इन्होंने मुझसे हेयर कट लिया तो ये इतनी ज़्यादा खुश हुई। इन्होंने बोला कि आप भी एक ऐसी पहली हो पार्लर वाली जो मेरे मन मुताबिक कटिंग करके आप दी हो, मेरा हेयर बिल्कुल भी छोटा नहीं हुआ और बहुत अच्छे से आपने मेरा कटिंग भी कर दिया, मेरा पूरा लुक भी चेंज कर दिया। ये बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी, और मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी, बहुत ही कम कटिंग करके इनको अच्छा सा मेकओवर देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या और कैसे करना है। तो चलिए अब मैं कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ, और आप देख सकते हैं कि गीला करने के बाद भी इनके बालों में वेवीपन दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुए हैं। इस टाइप से अच्छे से कोम कर लूँगी। तो देखिए ना, इस टाइप के हेयर को अगर आप ओपन रखना चाहो तो भी इसमें कोई लुक नहीं आएगा, साथ ही साथ ओपन करोगे तो और एक गंदा दिखेगा। और इसे में अगर आप थोड़ा सा कट ले लेते, चाहे वो आप स्ट्रेट ही कट क्यों ना करें, उससे लुक बहुत अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है। और ये जो प्रॉब्लम दिख रही है वो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलती। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट कट कर रही हूँ, और स्ट्रेट कट करने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है कि सारे बालों को आप एक साथ में फिंगर्स में ऐसा ग्रिप कर लें और उसके बाद में कट कर दें। ये देखिए, एक ही साथ में मैं इसको कट कर दी हूँ। अभी इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग भी दूंगी ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इस टाइप से चेक कर लेंगे कोम करके, वैसे पूरी तरीके से इवन है, फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं हमेशा सबको सलाह देती हूँ कि कटिंग आप ज़रूर करवाएं। अगर आप कटिंग नहीं कराते तो ग्रोथ भी वहीं पे स्टॉप हो जाती है, और साथ ही साथ ना बिना हेयर कट के आप अपने बालों को किस टाइप से ओपन करोगे वो लुक भी अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि नीचे पूंछ जैसा दिखता है, वो गंदा दिखता है। और इसके बाद थोड़ा सा गीला कर लूँगी ताकि मुझे अच्छे से क्लियरिटी पता चल सके। ये देखिए, तो ये पूरा अच्छे से कट चुका है अभी, तो बैक से ये कंप्लीट हो गया है, और हल्का सा साइड में भी कट कर दूंगी ताकि कोना जैसा। बैक की कटिंग हो चुकी है, अब आती फ्रंट की बारी। आप इनका फेस देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि फॉरहेड बहुत कम है इनका, ये चौड़ा नहीं है माथा, थोड़ा भी बहुत ही नीचे तरफ गिरे हुए बाल हैं इनके, नीचे से बाल बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा लुक चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ज़्यादा छोटा ना करें और बहुत ही अच्छे से कटिंग करके दें, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रही हूँ इस टाइप से। ये देखिए, कान के जस्ट आपको सामने से ले लेना है, दोनों तरफ के बालों को इक्वली पार्टिंग करेंगे, सेम जैसा ये वाला वैसा दूसरी। और पार्टिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, शोल्डर के पास में थोड़ा सा सामने की तरफ ऐसा रखना है, और इसको स्लाइडली आप कट करेंगे। ओके, ये देखिए स्लाइडली कट कर देना, और देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है, कितनी अच्छी सी लेयरिंग टाइप से हो गया पूरा। उसके बाद सारे बालों को एक साथ ऐसा उठा लेंगे, और उठाने के बाद में इसको फिनिशिंग देंगे, थोड़ा सा कट करने के बाद में हल्का सा नोचिंग कर देंगे ताकि जब ये ओपन करें ना तो वो बहुत ही अच्छा सा जिग जैक वाला लुक दिखे। और इसके बाद इधर भी कर लूँगी मैं। तो मैंने इनको बोला भी कि आप हमेशा अपना हेयर कट करवाया करें, बिना हेयर कट के आप हेयर ख़राब भी होंगे और साथ ही साथ ग्रोथ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप सब लोग जो भी वीडियोस देखते हैं तो हेयर कटिंग करवाने से ना डरा करें, जितना आप शॉर्ट करने बोलोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले लोग उतना ही शॉर्ट करके आपको देंगे। मैं तो जितना लोग बोलते उतना ही करती हूँ, कभी भी एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। ये देखिए, तो दोनों इस तरफ को भी मैं वैसे ही कर दी हूँ, और फ्रंट पे हल्का सा एक फ्लिक्स कट करूँगी, उसके लिए दोनों तरफ से एक एक लेयर उठा ली हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लेना है, और इसको बराबर कट कर दूँगी।
देखिए, तो ये फ्रंट से भी हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ना, माथे पे इनके बहुत ज़्यादा बाल हैं, साइड में बिल्कुल थोड़ा सा ही माथा इनका ओपन है, बाकी पूरे में बाल बाल है। तो जब थोड़ा सा ये फॉरहेड हल्का ओपन होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आता है। लेकिन इस टाइप के हेयर वाले लोग क्या होता है कि कटिंग सोचते हैं ना कि बाल बहुत नीचे से हैं तो कैसे कटिंग करें, तो आप इस टाइप से करके दे सकते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा, वो खुद भी बोली थी कि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना मेकओवर कर रही हूँ, हेयर कट से मैं कभी नहीं करती क्योंकि मेरा माथा बहुत कम है और बहुत ज़्यादा सामने तक बाल हैं, इसलिए मैं फ्लिक्स भी कट की हूँ तो बहुत ही कम। और ध्यान रखेंगे किसी का माथा कम चौड़ा होगा ना तो बहुत पतली फ्लिक्स कट करेंगे, बहुत ज़्यादा लेयर कट नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। और इसको पीछे ले जाके ऐसा चेक कर रही हूँ मैं, ये देखिए अच्छे से देख लूँगी दोनों तरफ का, क्योंकि काफ़ी नीचे से बाल हैं तो बार बार डाउन हो जा रहा था लेयर। ये देखिए इतना कम करने के बाद भी कितना डाउन हो रहा है फ्रंट पे, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। तो इस तरीके से अपने क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग आप बहुत ही कम कम हेयर कट करके उनको बहुत ही अच्छा सा लुक दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी इनका किया है। तो ये चाहे तो साइड बैंग्स रखे, लेज़र लेयर, कोई भी लुक इसको बोल सकते हो, सब तरीके से ये अच्छा लगेगा। और दो फ्लिक्स भी निकालेंगी, पफ बनाएंगी तो भी ये बहुत प्यारा लुक देगा। तो ये इनका फाइनल हेयर कट है, आप सब बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। फ्रंट से भी बहुत अच्छा लग रहा था और इनका फेस ये खुद भी बोली कि बहुत चेंज लग रहा है। और इस तरीके से अपना ये निकाल लेंगी और पफ बनाएंगी ना तो भी इसे बहुत प्यारा लगेगा। देखिए आप उनकी खुशी उनके फेस से आप देख सकते हैं कितना खुश थी। और साथ ही साथ मैं आपको इनके बैक साइड का भी हेयर दिखा देती हूँ कि पीछे का भी मैंने ज़्यादा नहीं कट किया है, बहुत ही कम, जितना वो बोली थी उतना ही मैं बस निकाली हूँ। और पीछे से इस तरीके से मैंने लेबल कट कर दी हूँ मैं, और मशीन में नहीं चलाई हूँ, ड्रायर वगैरह कुछ भी नहीं की, ओनली कटिंग बस हुआ है। और आप चाहें तो ड्रायर चला सकते हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इजी सा हेयर कट है। और ज़्यादा हेयर भी कट नहीं, लोगों को सबसे बड़ा टेंशन होता है ना कि हेयर कट मतलब हेयर ज़्यादा शॉर्ट ना हो बिल्कुल भी, तो इस तरीके से बहुत ही कम कम कटिंग करके भी बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं लोगों को। आप भी हैप्पी, आपके कस्टमर भी हैप्पी, और इनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, ये पहली बार अपना लुक जो है इतना चेंज देख रही थी इस टाइप से, क्योंकि ये बहुत पहले बोल रही हैं कि मैं कटवाई थी तो मेरा हेयर बहुत शॉर्ट हो गया था, लेकिन आप बहुत अच्छा करके दी। ये मुझे बहुत मेरी तारीफ भी की कि आप कितना अच्छे से काम करते हो, ज़्यादा हेयर भी शॉर्ट नहीं हुआ और कितना अच्छा लुक भी आ गया। तो आप सब बताना कि कैसा लगा। मिलती हूँ आप सबको एक नई वीडियो के साथ में, तब तक ले बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय।